अरे भाई ये क्या हो गया? एक तो हमारा स्ट्रेट ये जा रहा है रूट, और सेकंड वन ये जा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं इस वाले रूट को पकड़ के देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बस हाँ, वो जानबूझ के उंगली ले रहे हैं, वो चीज़ अलग है, बट मज़ा आएगा। देखते हैं, अगर सॉफ्ट हुआ तो करेंगे, तो अदरवाइज नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पता क्या चीज़ अच्छी लग रही है, यहाँ पर कोई भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। आराम से देखो, पकड़ा हुआ, जाओ स्लोली, जाओ क्रॉस करने की कोशिश करो। हो गया भाई, मज़े आ गए। इधर वाला लीन है थोड़ा सा, पतला है भैया, टूट भी रहा है। देखो वहाँ से क्रैक है, आ जा आ जा, वो आ जल्दी आ। मज़ा आ गया यार, ऑसम फीलिंग है। नेचुरल ब्यूटी किसको अच्छी नहीं लगती। चंद्रताल में वंडर ऑफ सेवन कलर्स देखने को मिलते हैं। बस अब मेरा वंडर ये है, हमें पूरी चंद्रताल ट्रीज मिली है यहाँ पर, देखिए। इतना आइस लेवल है, ये मज़ा आया ना, काफ़ी कूल एडवेंचर है ये वाला। मतलब मैं एक लेक को पूरा फ्रीज देखना चाहता था, आज वो भी सपना पूरा हुआ। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ को लेकर। अगर आप लोगों ने कभी पूरा फ्रोजन लेक नहीं देखा है, तो मे बी आप लोग इसमें देख पा रहे होगे। ईमानदारी से बोलूँगा, कैमरा कांट डिफाइन रियल ब्यूटी। ये है रियल ब्यूटी, शानदार व्यू यार। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम दो लोग हैं और कोई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पर आए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जल्दी फिर से आइस। ओह शिट, बहुत ज़्यादा हैवी है, ये लेयर उठ सकती है बस। भाई बंदे ने रिस्क ले लिया, अरे लेक के ऊपर चल रहा है लड़के। ज्यादा नहीं, इधर मत आओ, नहरो है, बहुत थिन है लेयर उस साइड, वो जो थिके दिख रही है वही वहीं पर है बस। गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, एक घंटे से बस यही कर रहे हैं। पहले तो डर रहे थे इसमें जाने के लिए अरविंद भाई, और हम लोगों ने रोला पा दिया भाई। इस पर ढंग से गेड़ियाँ मारी हैं, ढंग से उछल कूद किया, मार डाला वाले सॉन्ग्स किए, हमारे फुटप्रिंट्स के निशान बन गए। कोई फ़ायदा नहीं है, बात बात पर टूट रहा है। सोचो मैं किस तरीके से गया हूँ, मैंने सपोर्ट लेके वगैरह गया है। बहुत अच्छे नज़ारे हैं यार, अरे भाई ये क्या हो गया? पत्थर से आए थे ना, उतर जाओ तुम, गाड़ी फंसेगी यहाँ से। कहाँ से आए थे हम लोग? हम इधर से आए थे, यहाँ से सीधे। देख लो एक बार यार, यहाँ से चढ़ाई हम लोगों ने। हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा लग रहा था स्किड कर जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर्व है यार, बहुत तगड़ा कर्व है यहाँ पे। गाड़ी स्किड बहुत ज़्यादा कर रही है, आते टाइम पे इतना कुछ भी नहीं था जितना अब हो रहा है। तो क्या
नेक्स्ट टाइम ऑफ रोड वाली बाइक से आएंगे जो भी लेंगे। चलेंगे अभी दोबारा बाद में कहीं बढ़िया जगह। सेम वाटर क्रॉसिंग, ये लेवल बढ़ गया पहले से। हाँ बढ़ गया ना। अरे वाह। A few moments later. Guys, finally 12 किलोमीटर कंप्लीट हुए। अब लोग काजा की साइड जाने की कोशिश करते हैं और बहुत तगड़े तरीके से बाइकिंग हो रही है यार। हम लोग ऊपर जाना है। काजा, वी आर कमिंग। दोस्तों बाताल से आने के बाद चंद्रताल इतना ज़्यादा खूबसूरत था, उसके बाद ये नज़ारा। हम लोग कुंजुम पास की साइड पर जा रहे हैं कुंजुम पास के लिए और ये व्यू यार मतलब एक्सट्रीमली ऑसम है। पूरा वाइट चादर सा है, मतलब एकदम सुपर ऑसम सा फील हो रहा है। मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली फाड़ू फंटेस्टिक और बूमबास्टिक लग रहा है, मतलब ऑफ रोड करने में एक्सट्रीमली ऑसम है। मोहित भाई आप बोल रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रूट से आने में। और मैं उस साइड से आता तो मुझे पता नहीं मैं चंद्रताल जा पाता या नहीं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा होती। बट अभी फुल ऑन मूड में हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बाइक चलाने का मन कर रहा है और बहुत ज़्यादा फट्टे मज़े आ रहे हैं भाई। वो पूरी राइड में अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा एडवेंचरस, मतलब सुपर ऑसम जो फील आ रही है। और साथ में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरे सॉक्स पूरे गीले रखे हैं। चंद्रताल में जो मज़े किए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और यहाँ पे सांस भी बहुत ज़्यादा चढ़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही है, बट थोड़ी एयर थोड़ी डेंस फील हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की कमी फील साफ साफ हो रही है इवन मेरे अंदर भी और बाइक के अंदर भी। ओ माय गॉड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली गाइस हम लोग कुंजुम पास पर आ चुके हैं और हम लोगों को ये पूरा ट्रैक इतना ज्यादा एक्सट्रीमली ऑसम लगा। हम लोगों ने 30 की स्पीड मेंटेन कर रखी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया बाहर तरीके से। मेरे ऊपर तो अरविंद बार बार कूद रहा था भाई, कुछ भी हो। वन टाइम हुआ था कि फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी ने पिकअप ड्रॉप कर दिया था, बट वो सब बातें अलग है। नज़ारे देखो बस यार, सीज़न बिल्कुल मतलब परफेक्ट टाइम पर आया हूँ। बाइकर्स वगैरह काफ़ी हैं, हमारे अरविंद भाई है इंजॉय कर रहा है और हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा भी यहीं आसपास घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने मंदिर वगैरह में विजिट कर लिया है कुंजुम पास के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी देर से रुके हुए, फ़ोटो वगैरह थोड़ी ले ली है और अब हम लोग थोड़ा इस साइड जा रहे हैं। और ये वाला लोकेशन बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है यार, मतलब नज़ारा देख रहे हो आप। अरे यार ये क्या देख रहे हैं, कैसे इसको उठाया फेंका इस गाड़ी को, पसंद नहीं आती। वी आर रॉयल्टीज है ना। यस बोला खाने में मजा आएगा।
ये मैं नजारा नहीं झुक रहा पास से गाइस हम लोग निकलने वाले हैं, फोटो शूट वगैरह हो चुका है, ओवरऑल गेम्स वगैरह भी कर लिया है, स्नो फाइटिंग भी हो गई है, बस हर शॉट मेरा इस पे पड़ा है, मेरा ऊपर एक भी नहीं पड़ा। हाँ तुम पास सच में अच्छा था यार, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। ओ अरे बातें सबकी होती हैं यार, बड़ी बड़ी बातें मारना सब लोग मारते हैं यार। अरे वैसे मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा, अरविंद बोल रहा था, उसका जवाब दे रहा हूँ। कुछ खाना यार, कुछ खाया नहीं है, पेट में एनाकोंडा उछल रहे हैं। गाड़ी का तो चलो फील अप कर दिया था, कहा था हमें फील अप हो जाएगा, बट खुद को कैसे फील अप करेंगे यार, यहाँ से 20 किलोमीटर लगा सर में जाकर कॉल लग सकता, पहले कॉल करना इंपॉर्टेंट है खाने से भी ज़्यादा, तो पहले कॉल करेंगे उसके बाद थिंग्स में ध्यान देंगे। Amongst the waves, exactly where I wanna be.